अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मुदस्सिर इफ्तिखार। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पाकिस्तान में एडसेंस अप्रूवल के टैक्टिक्स, जो कि एडसेंस गूगल एडसेंस अप्रूव करने से पहले एक वेबसाइट में देखता है। और अगर आप वो चीज़ें पूरी कर लेंगे तो उम्मीद यही है कि आपका एडसेंस भी अप्रूव हो जाएगा। और कुछ लोग समझते हैं कि एडसेंस अप्रूव करना पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है। अगर आप जो चीज़ें मैं आज बताने वाला हूँ उसको फॉलो करते हैं तो यकीनन आपको एडसेंस अप्रूव कराने में बहुत ही आसानी होगी। इसके अलावा आप मेरा यूट्यूब चैनल पे देख भी सकते हैं, मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई थी सीक्रेट ट्रिक्स के नाम से, एडसेंस अप्रूवल सीक्रेट ट्रिक्स, तो ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। मैंने इसमें एक अलग से एक ट्रिक बताई है जिससे आप इजीली एडसेंस अप्रूव करा सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक और वीडियो बनाई थी, पहले जो कुछ सवाल थे वो मैंने इसमें हल किए थे। एंड आज की वीडियो में मैं आपको बिल्कुल वो चीज़ें बताने वाला हूँ जिसको एडसेंस देखता है एक वेबसाइट में अप्रूव करने से पहले। तो वो कौन से पॉइंट्स हैं जानने के लिए ये वीडियो देखते रहिए, और आज की ये वीडियो देखने के बाद आपका एडसेंस अप्रूव हो जाएगा इंशाल्लाह। तो जो पहला पॉइंट है वो ये है कि आपके पास एक ऐसा जीमेल अकाउंट होना चाहिए जिससे आपने पहले कभी अप्लाई ना किया हो एडसेंस अप्रूवल के लिए, और वो थोड़ा सा ओल्ड भी होना चाहिए, यानी वो 2 या 1 महीना पुराना अकाउंट होना चाहिए और उससे आपने कभी एडसेंस अप्रूवल के लिए ट्राई भी ना किया हो। और अगर आप एक नया अकाउंट बनाते हैं जिसे कभी नहीं अप्लाई किया और वो बिल्कुल ही 2-4 दिन या हफ़्ता पुराना है, तो एडसेंस ये समझ जाएगा कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ एडसेंस अप्रूवल के लिए नया अकाउंट बनाया है। इसीलिए आप वो अकाउंट यूज़ करना फ़र्स्ट टाइम जिसे यूज़ किया हो और जिससे आपने कभी अप्लाई ना किया हो और वो पुराना हो और आपके यूज़ का हो, यानी कि आप उसे यूज़ करते हो और बिल्कुल नया ना हो, वो 1 या 2 महीने पुराना हो। एंड जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि कितने आर्टिकल्स आपकी वेबसाइट पर अपलोड होने चाहिए जब आप एडसेंस के लिए अप्लाई करें। तो इसका जवाब ये है कि आपको कम से कम 12 से 13 आर्टिकल्स अपलोड करने हैं, और प्रॉपर 12 से 13 आर्टिकल्स अपलोड करने हैं जो कि बिल्कुल उसमें सब चीज़ें मौजूद हों। अब प्रॉपर आर्टिकल्स किसे कहते हैं? जिसमें वीडियो भी मौजूद हो, पिक्चर्स भी मौजूद हों एंड वर्डिंग भी मौजूद हो और तफसील से आपने बयान किया हो। तो उस तरह के आर्टिकल्स आपको कम से कम 12 से 11 आर्टिकल्स चाहिए हैं अपनी वेबसाइट पर। और जो आपने नॉर्मल छोटे छोटे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, न्यूज़ हैं, अपडेट्स हैं, उसे आप काउंट ना करें, सिर्फ और सिर्फ लेंथी और जो बड़े आर्टिकल्स आपने प्रॉपर लिखे हैं सिर्फ उसे करना है, और कम से कम 10 से 11 आपके पास इस तरह के आर्टिकल्स होने चाहिए। तो जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि एक आर्टिकल्स में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और उसमें उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए और उसमें वर्डिंग जो की हो, हमने वर्ड इस्तेमाल किए हैं, वो कितने होने चाहिए। तो यहाँ पर एक मेरे पास आपके लिए एग्जांपल है, मेरा ही आर्टिकल है ये, हाउ टू अर्न बिटकॉइन इन पाकिस्तान फुल एक्सप्लेन्ड। अब मैं यहाँ नीचे आ जाता हूँ तो यहाँ पर मैंने एक थंबनेल लगाई है, इसके अलावा यहाँ से मैंने आर्टिकल स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से शुरू होते होते यहाँ पर एक ऐड लगा हुआ है, और यहाँ पर देखें मैंने एक वीडियो इस्तेमाल की है जो कि इसी से रिलेटेड है, जो कि 1 मिनट में ही सब कुछ बता देती है जो कि मैंने सारा लिखा है। इसके अलावा नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कितना ज़्यादा आर्टिकल्स में लिखा है, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक फ़ोटो भी मैंने इस्तेमाल की है जो कि इन्फोग्राफ कहलाता है, उसे मैंने इस्तेमाल किया है, एंड यहाँ पर हेडिंग्स भी काफ़ी इस्तेमाल करनी है आप लोगों ने, एंड जस्ट यहाँ तक ख़त्म। तो ये एक प्रॉपर आर्टिकल था जिसमें आप मैंने फुल डिटेल लिखी, और इसी तरह का आपने एक आर्टिकल लिखना है जिसमें तस्वीरें भी इस्तेमाल की गई हों, वीडियो भी कोशिश किया करें अपने आर्टिकल में ऐड कर लिया करें। जो अगला पॉइंट है वो ये है कि पेजेस आपने क्रिएट किए हों, प्रॉपर वेबसाइट हो, और पेजेस कौन कौन से क्रिएट करने हैं आप मेरी भी वेबसाइट पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने अबाउट अस का एक पेज बनाना है, कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाना है, प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म एंड कंडीशन वाला पेज बनाना है, और डिस्क्लेमर का भी होता है। तो कम से कम आपने ये 4 पेजेस ज़रूर बनाने हैं, और अगर ये 4 आप ना भी बना सकें तो कम से कम अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस लाजमी बनाना है आपने, और क्योंकि ये गूगल बिल्कुल देखता है कि ये आपकी वेबसाइट पर पेज बने हुए हैं कि नहीं और आप कितना पीपल से इंटरेक्ट कर रहे हैं। अगर आपने ये पेजेस ही नहीं बनाए होंगे तो गूगल को लगेगा कि ये कोई रोबोट है या कुछ इस तरह का है और उसे वो अप्रूव नहीं करता।
लास्ट पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि नेविगेशन बार आपने बनाना है प्रॉपर। यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पर नेविगेशन बार बनाया हुआ है और जितनी भी कैटेगरीज़ हैं मेरे वेबसाइट पर मैंने उसे सब यहाँ पर मेंशन कर दी हैं। तो आपने अपनी वेबसाइट पर भी ये सारी चीज़ें बना लेनी है। तो ये कुछ पॉइंट थे जिसे आपने फॉलो करना है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने जो वेबसाइट बनानी है उसे कोशिश किया करें कि उसे सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश में बनाया करें, क्योंकि गूगल के जो सर्च इंजन है वहाँ पर आपने भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश आर्टिकल्स ही उसमें रैंक हुए होते हैं, शो होते हैं आपको स्क्रीन पर, और क्योंकि वहाँ से ही व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं, गूगल से ही आपको व्यूज़ आते हैं। तो अगर वहाँ पर ही आपका आर्टिकल रैंक नहीं होगा तो व्यूज़ आपके नहीं आएंगे। तो कोशिश किया करें कि आप अपना आर्टिकल इंग्लिश में लिखा करें, और अगर आपकी वेबसाइट उर्दू में है और आप चाहते हैं उसका अप्रूवल आए तो आपको ये कोशिश होनी चाहिए कि आप फेसबुक या दूसरे सोशल मीडिया से ट्रैफिक उठाएं और वहाँ से व्यूज़ लें। अगर वहाँ से आपके व्यूज़ अच्छे खासे या ज़्यादा होंगे तब ही एडसेंस आपको अप्रूव करेगा, वरना तो दूसरी ज़बान में या कि उर्दू या दूसरी ज़बान में आप करना चाहें तो बहुत ही मुश्किल होगा एडसेंस अप्रूव कराना। और अगर आप इंग्लिश में करते हैं तो वहाँ से तो गूगल से ही व्यूज़ इतने आ जाएंगे कि आपको कहीं और से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और गूगल आपको इजीली एडसेंस अप्रूव कर देगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, एंड मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना है आपने, क्योंकि मैं इस तरह की और वीडियोज़ भी बनाने वाला हूँ। और अगर आप वेबसाइट से पैसे कमाना चाहते हैं तभी आप एडसेंस अप्रूव कराना चाह रहे होंगे। तो अगर आपने और भी ज़राए मालूम करने हैं ऑनलाइन अर्निंग करने के तो आप मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर मैं अपलोड करता रहता हूँ और आने वाले दिनों में भी अपलोड करता रहूँगा वीडियोस के ऑनलाइन किस तरह से पैसे कमाए जाते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।